पुलिस झंडा दिवस पर मंगलवार को पुलिस ऑफिस परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु प्रशाली गंगवार ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी तथा डीजीपी द्वारा आए पत्र को सभी पुलिस कर्मियों को पढ़कर सुनाया, जिसके संबंध में पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु प्रशाली गंगवार ने बताया कि पुलिस झंडा दिवस पुलिस के गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस झंडे से पता चलता है कि पुलिस ने क्या क्या किया है। यह झंडा पुलिस के दिए गए बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि झंडा दिवस के दिन सभी पुलिस कर्मियों ने शपथ लिया है कि अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निर्वहन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु प्रशाली गंगवार ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गौरवमयी पहचान दी है। किसी भी संगठन का ध्वज उसकी शान व पहचान होता है। ध्वज का महत्व आदिकाल से वेदों व पुराणों में देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है कि ध्वज पताका की प्रेरणा से धर्म की अधर्म पर विजय अविस्मरणीय रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारत वर्ष में प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है। और इसी के सम्मान में हम अपनी वर्दी की बाई जेब पे ध्वज लगाते हैं। आज के दिन ये ध्वज हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। पुलिस ध्वज को फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते समय हमें स्वाभिमान एवं गर्व की अनुभूति होती है। हम सभी में कर्तव्य निष्ठा की नई ऊर्जा संचारित होती है। इसी के साथ मैं विराम देना चाहती हूँ। झंडा दिवस पुलिस की गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। इसमें पता चलता है कि पुलिस ने क्या क्या योगदान दिया है समाज को, तो झंडा उसी चीज़ का प्रतीक है। यह है कि पुलिस जो भी काम करती है उसके प्रति हमें कॉन्फिडेंस आए, हमें सम्मान प्राप्त हो।